सादिया कुकिंग में आज आपको बहुत अच्छी रेसिपी मैं देने वाली हूँ, जो कि आपके रमजान में यानी सहरी में आपको मैं जो लाइनअप लाइन से मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिया जूस की और इस तरह के सब लाइनअप है। अभी आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है आपकी सहरी में, आप उसको ट्राई मतलब बना सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी सहरी जो है वो गुजरेगी और बहुत अच्छा एंजॉय भी करेंगे। बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, आपने बहुत सुन रहे होंगे आजकल बहुत उसका नाम, शिफा का कीमा। ठीक है जी, शिफा का कीमा जो है, शिफा एक जो है वो लाहौर में होता है, जो कि उसकी जगह बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो मैं आपको दे रही हूँ वो लक्ष्मी चौक का दे रही हूँ और ये मटन का कीमा बनाते हैं, जिसका इनकी स्पेशलिटी है तवा कीमा और कढ़ाई कीमा, लेकिन जो ज़्यादा रनिंग में होता है वो है इनका कढ़ाई कीमा। ठीक है जी, तो कढ़ाई कीमा इनका इतना रनिंग में होता है कि लोग जब कराची से, पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी जाते हैं तो ये जो है ना उनकी सबसे पहली चॉइस ये होती है कि वो वहाँ का कीमा ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो इनकी और ये बहुत पुराने वहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट इनको 50 ईयर्स हो गए हैं और यही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं कोई भी चीज़ आपको देती हूँ तो उसकी हिस्ट्री ज़रूर मैं लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से कोई भी रेसिपी या कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं ऐसी चीज़ आपको देना चाहती हूँ जिसके आपको भी शौक है कि जी आप टेबल पर रखो और आप सबको बताओ। बड़ा अच्छा लगता है ना जब बच्चों, जब इंसान को एक एप्रिसिएशन मिल रही होती है। ठीक है जी, मुझे भी इसी तरह बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी रेसिपी, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है ये कि मटन के कीमे से बनेगी और दूसरा इसमें जो मटन के पार्ट्स हैं वो भी ऐड होंगे। राइट, सबसे पहले जो है मैंने ये मटन जो है ले लिया है, इसमें ऑलमोस्ट ये 3.5 kg से ज़्यादा है ये मटन। ठीक है, कीमा है ये मटन का। ठीक है, अच्छा, और मटन का ये कीमा है। ठीक है, अच्छा, अब ये मटन के जो पार्ट्स हैं ये भी मैंने ले ली, जिसमें बोन भी है और जो है वो बोनलेस भी है, यानी बोन भी है और बोनलेस भी है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, टोमेटोज है मेरे पास, टोमेटोज मैंने ले लिए थे 6, जिसको मैंने कट कर लिया तो 12 हो गए। अनियन मेरे पास 2 है, चॉप कर दी 2 अनियन। ठीक है, अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है मेरे पास, वाटर है, वाटर ही होता है हमेशा, कढ़ाई वगैरह की स्पेशलिटी होती है कि उसमें इस तरह का वाटर जो है वो हम गार्लिक का यूज करते हैं। राइट, अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया क्या है, कुटी हुई जो है वो साबुत धनिया है, कुटा हुआ जीरा है, राइट, सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, ब्लैक पेपर है एंड गरम मसाला पाउडर है। ठीक है जी, बहुत इसके लाइट से इंग्रेडिएंट है लेकिन बड़ा जबरदस्त बनेगा ये। इसके साथ ग्रीन चिलीज भी ऐड होगी, जिंजर ऐड होगी, किस तरह ये बनेगा आप मेरे साथ रहिएगा, कोई चीज भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ये रेसिपी वो रेसिपी आपको नहीं मिलेगी वरना। अच्छा, एक इसकी बहुत स्पेशलिटी वो ये है कि ये देसी घी से बनता है। ठीक है, देसी घी एंड में जाता है इसके, जो कि मैं यूज करती हूँ, मैं इसका अपना एक एक पाउच, एक एक जो है वो मैं मंगा लेती हूँ बॉक्स। ठीक है, एक एक मंगाती हूँ और उसको यूज करती हूँ, तो ये मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो एक मैं आज घीमे में डालूंगी। इस तरह से ये जो है ये मेरी मेजरमेंट होती है। ठीक है जी, तो ये देसी घी से बनेगा, बहुत आसान है। आए चले भी हैं मिलके बना, मैं बनाती हूँ, फिर आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। राइट, ठीक है जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, शिफा का मटन कढ़ाई कीमा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें जो है वो क्या ऐड कर रही हूँ, कीमा ऐड कर रही हूँ, मटन का कीमा है ये याद रखिएगा। अभी कोई ऑयल मैंने नहीं डाला, सिर्फ मेरे कढ़ाई बिल्कुल खाली है, सिर्फ ये अभी कीमा गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मटन था, बाकी जो मटन के पीसेस हैं विद बोन वो सारा इसमें ऐड हो गया। ठीक है, ये भी चला गया। ठीक है जी, मैंने इसमें क्या डाला था, अनियन डाली थी, 2 अनियन ली थी जो चॉप कर ली थी, वो भी डाल दी है। राइट, टोमेटोस मैंने डाल दिए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अगर कोई साबुत आ जाते हैं तो डजंट मैटर, उसका पील ऑफ आप उसको स्किन उसकी रिमूव करेंगे तो फिर वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी ये वाटर है। ठीक है, पूरा मैंने इसको वाटर की तरह रेडी कर लिया था, पीस लिया था, वाटरी वाटरी होगा, अगर इसमें कोई चॉप्ड आ जाता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है जी, अच्छा, अब मैं क्या डाल रही हूँ यहाँ पे,
मैंने डाला, ये मेरे पास टी स्पून है तो इसका मैं 2 टाइम्स डालूंगी तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साबुत धनिया मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून है और साबुत जीरा 1 टेबल स्पून है, ये सारा चला जाएगा। अभी हमने ब्लैक पेपर और गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, हल्दी जाएगी मेरे पास इसमें है 1 टीस्पून, सॉल्ट जा रहा है मेरे पास इसमें जो है वो अभी 1 टेबल स्पून थोड़ा सा कम डालो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कुक होने जा रहा है, ये कुक होगा, थोड़ा कुक होगा, कुक होने के बाद इसका जो अपना वाटर है वो रिलीज करेगा, टोमेटो का जो टोमेटो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसके जो स्किन है उसको रिमूव कर दूंगी। जब मैं रिमूव करूंगी तो बाकी जो रिमूव करूंगी फिर ये कुक होगा, और जब भी इसमें घी कब डालना है वो आपके सामने है, और घी इसमें डाला जाएगा, इसमें दही डाली जाएगी और इसमें ग्रीन चिलीज डाली जाएंगे, और बाकी क्या होगा इसमें का वो सब आपके सामने करूंगी, ठीक है जी। अब ये कुक होने जा रहा है लो फ्लेम पे, और इसके स्किन को मैं रिमूव कर दूंगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा टोमेटोस, स्किन इसके रिमूव होगी, उसके बाद अगेन ये कुक होगा। जब ये कुक होगा फिर मैं बताऊंगी कि इसमें मैं दही और इसमें जो घी डालना है देसी घी जिससे ये पकेगा किस टाइम रखेगा, राइट। मटर जो है इसमें मैंने जो डाला था देखें उसके स्किन को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया, वाटर जो है कुछ भी नहीं डाला, खुद ही सारा जो है उसका वो वाटर सारा रिलीज हुआ है, यानी जितना मटन मैंने डाला था और जितना वो डाला था कीमा था उसका सारा इसका वाटर रिलीज हुआ है, कोई भी पानी नहीं गया ना दही गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये मजीद इसको जो है मैं 20 मिनट्स इसलिए दूंगी क्योंकि ये कुक होगा, ये सारी चीजें जो है ना गल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी क्या प्रोसेस है, घी कब जाएगा यानी देसी घी, ग्रीन चिली कब जाएगी, जिंजर कब जाएगी, ठीक है, और दही कब जाएगी। बहुत सारी चीजें अब इसकी रह गई हैं, ये मजीद अभी 20 मिनट्स और कुक होगा। उसके बाद जब हम इसको भूनेंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि अब मैं इसमें देसी घी डालने लगी, राइट। ये देखें, अब ये टमाटर जो है ये भी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें मिक्स हो गए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये देसी घी। अब आप जो है अपने अंदाजे से जो आप डाल दोगे, यानी तकरीबन ये पूरा 1 kg हो गया तो 1 कप तो इसमें डालना ही, ठीक है, 1 कप आपने इसमें डालना है ये अंदाजे से, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे, और भुनने की कंडीशन में ये आएगा फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, फिर अभी इसमें क्या साथ में ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली, बाकी जब हम सर्व करेंगे ना तो उस वक्त डालेंगे, और थोड़ी सी ये जूलियन स्टाइल में जो है ये डाल रही हूँ, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त होता है, और ये कढ़ाई कीमा है, इसका तवा कीमा भी होता है, इन लोगों का तवा कीमा भी होता है और ये कढ़ाई कीमा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिट है ना वो कढ़ाई कीमा, ठीक है। अच्छा, ये अभी और अब इसमें जो है वो मज़ीद ये मिक्स होगा, और इसमें थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट और दे रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमें जो है वो दही ऐड करना है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, मैं जो है मैं दही ऐड करूँगी, ये बिल्कुल भुन जाएगा। अच्छा, अभी मैं क्या ऐड कर रही हूँ साथ में, ये यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर है, और 1 टी स्पून ब्लैक पेपर है, और 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालते वरना वो ब्लैक होने लगता है, ठीक है। अब ऑयल या वो जो घी मैंने डाला था देसी घी, वो आपके ऊपर है कि आपको जिस तरह का पसंद है, ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा खाइए, ज़्यादा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद होता है ना, बहुत ऑयली ऑयल होता है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से हुआ, अब मैं इसमें क्या डालने लगी हूँ, अब मैं इसमें डालूँगी दही। अच्छा, दही आप ये देखें इस तरह से आप उसको बीट कर लीजिएगा क्योंकि लम्स ना बने, क्योंकि वो सालन को जो बिल्कुल है ना वो अजीब सी कंडीशन हो जाती है, सालन अजीब सा हो जाता है, ठीक है। ये पूरी डाल रही हूँ, ये पूरी कप नहीं है, ये जो है मेरी हाफ कप दही है, उसको मैंने बीट कर लिया है, ठीक है, ये मिक्स करूँगी। अच्छा,
मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट्स और हम दे रहे हैं। उसके बाद अब मैं इसको आपको सर्व करके बताऊंगी कि किस तरह इसकी कंडीशन आई है, कैसे ये हो गया, किस तरह ये हो गया। ग्रीन चिली डालूंगी, जिंजर डालूंगी और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी, राइट। ये देखिए हमारी शिफा मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है जी। अच्छा ऊपर मैंने क्या, अच्छा सब कुछ मैं आपको ये बताऊं, जितना ये कुकिंग हुई है ये देसी घी के आपके सामने मैंने जो डाला था, आप भी देसी घी से बनाइएगा। अगर आपने देसी घी नहीं बनाया तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा टेस्ट, ठीक है जी। बहुत आसानी से सब जगह मिल जाते हैं तो देसी घी। ऊपर मैंने ग्रीन चिली डाल दी और गर्म मसाला और थोड़ा सा जो है बटर डाल दीजिए या देसी घी और डाल दीजिए, मतलब प्योर जो घी होता है वही डाला है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप बीफ करें कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और बहुत अच्छा, मुझे यकीन है कि आपको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये टीमा। और मुझे मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छी सी वीडियो के लिए फिर आती हूँ। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।